नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। क्या वही सेम टी शर्ट? तो क्या हुआ, टॉपिक्स तो नया है। तो दोस्तों, पहले ही मैं फोन पे, पेटीएम और गूगल पे के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप जरूर जाके देखिएगा। तो आज का टॉपिक है बिल्कुल नया। आज हम बात करेंगे अमेजन पे के बारे में और जानेंगे अमेजन पे के बारे में सारा कुछ डिटेल्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कौस्तव, आप देख रहे हो टिकी बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अमेजन पे, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की तरह ही एक फोन एप्लीकेशन पेमेंट वॉलेट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अमेजन पे अपना लॉगिन कर पाओगे, कैसे अपने अकाउंट बना पाओगे और कैसे अपने केवाईसी को कंप्लीट कर पाओगे ताकि आपके अमेजन पे का वॉलेट हो जाएगा एक्टिव। तो नेक्स्ट हम चले जाएंगे मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। जल्दी से ओपन कर लेते हैं प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर ओपन करते ही हम लोग सर्च कर लेंगे अमेजन। तो आप देख सकते हो अमेजन एप्लीकेशन का आइकॉन, जल्दी से इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये मेरे मोबाइल पे अमेजन का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ ओपन बटन पे क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं, या हम सीधे चले आएंगे मेरे मोबाइल के मेन स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हो अमेजन एप्लीकेशन का आइकॉन, क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होते ही यहाँ पे पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा आपका प्रेफर लैंग्वेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन है, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा अमेजन पे साइन इन करने का ऑप्शन। तो आपके पास अगर पहले से ही अमेजन का अकाउंट हो तो ऑलरेडी अ कस्टमर साइन इन बटन पे क्लिक करके अपना आईडी और पासवर्ड देके आप साइन इन कर सकते हो। आपके पास अगर लॉगिन आईडी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, तो न्यू टू अमेजन पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हो। और अभी के लिए स्किप का ऑप्शन है, आप स्किप भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो आपके सामने ओपन हो गया है अमेजन एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, शॉपिंग का ऑप्शन है, आपके अकाउंट का ऑप्शन है। तो सारे डिटेल्स के बारे में हम किसी अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज देखेंगे अमेजन पे के बारे में कैसे ये काम करता है। तो आप बाएं तरफ नीचे देखिएगा अमेजन पे करके ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ओपन हो जाएगा अमेजन पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, कोई भी रिटेलर शॉप में पे करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करके भी पे कर सकते हो, और सेंड मनी यूपीआई के द्वारा अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो गेट स्टार्टेड पे हम लोग क्लिक करेंगे और आपके सामने ओपन हो जाएगा अमेजन पे का मेन इंटरफेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे साइन इन करने के लिए साइन इन सिक्योरली पे हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पे करना पड़ेगा आपके अकाउंट पे लॉगिन। तो आप पहले अगर ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हो तो ठीक है, अगर आप न्यू यूज़र हो और पहले स्किप कर चुके हो या लॉगिन नहीं किए हो तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्रिएट अकाउंट पे सिलेक्ट करना है और पहले डालना है आपका नाम, फिर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, और एक पासवर्ड सेट करना है और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो मैंने दे दिया मेरा नाम, फ़ोन नंबर और पासवर्ड सेट कर दिया। अब वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो मेरे मोबाइल पे आ गया है ओटीपी और उसको यूज़ करके मेरा अमेजन पे का अकाउंट हो गया है ओपन। तो आप देख सकते हो अमेजन पे का ये है इंटरफेस। दाहिने तरफ ऊपर कार्ट का ऑप्शन है और उसके बाद अलेक्सा का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप वॉइस के द्वारा भी कोई चीज़ सर्च कर सकते हो, और उसके बाएं तरफ सर्च बटन है और अमेजन पे के पहले ही ऑप्शन आ जाएगा अमेजन पे बैलेंस, और उसके बाद अमेजन पे यूपीआई, और नीचे आप देख सकते हो स्कैन एंड पे, सेंड मनी, नियर मी, गेट पेमेंट, मोबाइल बिल रिचार्ज, ट्रैवल, व्हीकल्स बुकिंग, ट्रांजेक्शन रिवार्ड, अकाउंट चेक बैलेंस, गिफ्ट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो पहले ही अमेजन पे बैलेंस सेटअप करने के लिए हम लोग अमेजन पे बैलेंस सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वॉलेट हो जाएगा एक्टिव और आपका कंप्लीट हो जाएगा केवाईसी। तो सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगा केवाईसी कंप्लीट करने का इंटरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका नाम, लॉगिन, फ़ोन नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। एडिट बटन पे क्लिक करके आप कभी भी चेंज कर सकते हो। और वॉलेट एक्टिव करने से और केवाईसी कंप्लीट करने से आप देख सकते हो मंथली आपका यूजेज लिमिट 10,000 हो जाएगा।
तो नीचे आप देखिएगा ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चार ऑप्शन पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके इसका डिटेल्स देख के आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो अपने अमेज़न पे का वॉलेट एक्टिव करने के लिए और अपना केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। तो मैं यहाँ से वोटर आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे देना पड़ेगा वोटर आईडी कार्ड मेरा नंबर, आप जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे उसका कार्ड नंबर आपको नीचे देना पड़ेगा। तो मैंने दे दिया मेरे वोटर आईडी का डिटेल्स और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो मेरे अमेज़न पे का वॉलेट हो गया है एक्टिव और केवाईसी हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ पे मुझे दिया गया है पर मंथ 10,000 तक का लिमिट और ईयरली 1,20,000 का लिमिट। तो दोस्तों आपने आज इस वीडियो में देखा कैसे आप अपने अमेज़न पे में अकाउंट बना पाओगे, कैसे लॉगिन कर पाओगे और कैसे केवाईसी कंप्लीट के द्वारा अपना वॉलेट को एक्टिव कर पाओगे। पर अमेज़न पे के बारे में ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप अपनी UPI को एक्टिव कर पाओगे और अमेज़न पे को कैसे फुल्ली आप यूज कर पाओगे। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मेरे शूट के टाइम जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करता हूँ उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप भी अगर एक यूट्यूबर हो, आप भी अगर क्रिएटर हो या आप कोई तरह की भी वीडियो बनाते होंगे तो ये इक्विपमेंट आपको जरूरत आ सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके क्लिक करके आप परचेज भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो में जहां सीखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में नया कुछ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अमेज़न पे एप्लीकेशन कैसा लगा, आप पहले यूज किए कि नहीं और अमेज़न पे के बारे में आपका सुझाव क्या है, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। टी शर्ट चेंज करना पड़ेगा।